तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रिजल्ट को लेकर के बीए और बीएससी का, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जय हिंद एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो फिर से आज हम मगध यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं, सेशन 21 से 24 पार्ट वन के रिजल्ट को लेकर के बीए और बीएससी के बारे में, ठीक है। बी कॉमर्स का जो है रिजल्ट ऑलरेडी जारी कर दिया गया है और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना दिया कि आप किस तरीके से जा करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है कि रिजल्ट जो हमारा वो कब आएगा, ठीक है। सेशन 21 से 24 पार्ट वन का बीए और बीएससी का, तो आपको इस वीडियो में एक्सपेक्टेड डेट बताएंगे कि कब तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब कब तक जो है आने की संभावना है, तो आप शुरू से लेकर के वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इससे पहले देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ खोल करके, जो कि अपना रिजल्ट चेक करने वाला ये लिंक था। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा वेबसाइट है जहाँ से बी कॉमर्स का जो रिजल्ट चेक किया जा रहा था, मगध यूनिवर्सिटी का जो ये वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने लोगों से जो है रिजल्ट डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए सिंपली आपको कोर्स दिख जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही दिखेगा, बी कॉमर्स जनरल ऑनर्स पार्ट वन 2022। तो जो आपको 2022 दिखे आपको उसी पे क्लिक करना है, ठीक है, ना कि 2021 वाले पे। फिर यहाँ पे रोल नंबर डालना है, सर्च पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपके सामने जो आपका रिजल्ट खुल करके आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बीए और बीएससी के रिजल्ट को लेकर के कि आखिर उसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, ठीक है। तो देखिए हम पहला एक पेज ले लेते हैं ताकि आपको जो समझाने में थोड़ा आसानी हो। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें रिजल्ट को लेकर के बीए और बीएससी का, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक हो गया अपना बीए और एक हो गया बीएससी, ठीक है। इसका जो रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट है ना वो हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसे देखिए क्या होता है कि बीए और बीएससी, तो इसका जो है मगध यूनिवर्सिटी का तीन लेयर में जो है रिजल्ट जारी किया जाता है। पहला जो होता है बी कॉमर्स का, ठीक है, फिर दूसरा होता है बीएससी का, फिर लास्ट में होता है अपना बीए का, ठीक है। तो देखिए हो सकता है कि बीएससी और बीए का जो रिजल्ट है इस बार दोनों का एक साथ ही जारी कर दे, क्योंकि सेशन काफी ज्यादा लेट चल रहा है तो इसको जो मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। या तो फिर हो सकता है कि सिर्फ बीएससी का दे इसके बाद, क्योंकि बी कॉमर्स का तो आ ही गया है, ठीक है, तो उसके बाद बीएससी का दे, फिर उसके बाद बीए का दे, तो लास्ट डेट हम बीए तक आपको बता देते कि इतना इतना तारीख तक में जो आपका कंफर्म आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए अगर हम सबसे पहला बात करें बीएससी का, क्योंकि अगर अलग अलग दिया तो सबसे पहले बीएससी का ही आएगा, इतना आप जान लीजिए। सबसे लास्ट में आता है बीए का रिजल्ट, ठीक है। तो बीएससी का अगर हम बात करें तो देखिए ये आज 22 तारीख है, ठीक है, 22 अक्टूबर है, तो ये जो अपना ये खत्म होगा अक्टूबर के लास्ट, यानी कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, यानी कि लगभग लगभग नवंबर आप मान ही लीजिए, तो फिर 30 अक्टूबर जो है आपका रिजल्ट शायद आने वाला है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जब 30 को नहीं आता है तब कब आएगा रिजल्ट, तो देखिए आपका जो एक सेकेंड आपका जो नवंबर पड़ता है ना, आपका जो नवंबर पड़ता है वो कम से कम तो 10 तारीख तक लेकर के जो है 10 के अंदर, यानी 10 नवंबर के अंदर जो आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, 100% जारी होना ही होना है, ठीक है। और बीए का जो है अपना हम बात कर लेते हैं बीए का, तो बीए का जो है मिडिल 15 यानी कि 15 नवंबर तक जो है ना आपका रिजल्ट होने की पूरी संभावना है, ठीक है, जारी। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ गए बीए और बीएससी के रिजल्ट को लेकर के। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया कैसा व्यवस्था है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि काफी ज्यादा लेट चल रहा है हमारा यूनिवर्सिटी, क्योंकि पीछे जो हुआ था घोटाला तो उसमें जो हमारा यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा पीछे चला गया था। लेकिन अभी जो हमारे वर्तमान में वहां पे है वाइस चांसलर, वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। और जो भी आप सेशन देख रहे थे 18 से 21 हो गया, 19 से 22 हो गया, ठीक है, 20 से 23 हो गया, और 21 से 24 हो गया, और 22 से 25 हो गया, ठीक है। तो इन सभी सेशनों का जो है ऊपर वो काम चल रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आपके सामने में। जब से ये आया है तो 18-21 क्लियर हुआ है, 19-22 भी क्लियर हुआ है, ठीक है, इसका रिजल्ट नहीं आया है। 20-27 का जो पार्ट टू का एग्जाम होने ही वाला, क्योंकि फॉर्म वगैरह भरा गया है, लास्ट डेट 6 अक्टूबर तक था। अब ये हमारा जो है 21-24 का आता है बारी, तो देखिए अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका तो रिजल्ट के बारे में हम बात कर ही लिए 21-24 के बारे में, अब हम बात करते हैं कि देखिए एडमिशन के बारे में। एडमिशन जो है 21-24 पार्ट टू का ये कब तक होगा, तो देखिए ये जो है यूनिवर्सिटी
मगध यूनिवर्सिटी, इसमें जो पार्ट टू और पार्ट थ्री में जो एडमिशन होता है वो कॉलेज अपने हिसाब से लेता है, ठीक है। अभी अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारा जो कॉलेज में है वो पार्ट टू का जो है एडमिशन जो है वो चालू हो चुका है, ठीक है। और कितने सारे कॉलेज है, मतलब कितने सारे कॉलेजेस हैं जिसमें अभी जो है जारी नहीं हुआ है एडमिशन, यानी कि नोटिस भी नहीं आया है। लेकिन देखिए हर एक कॉलेज का धीरे धीरे एडमिशन चालू हो रहा है, और जैसे गया कॉलेज का भी हम बात करें तो उसमें भी जो है पार्ट टू का एडमिशन चालू हो गया। तो देखिए इसमें 100+ कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। तो ये कॉलेज अपना जो व्यवस्था के अनुसार जो एडमिशन लेता है, ठीक है। तो आई थिंक जो आपका है एक महीने के अंदर अंदर जो आपका एडमिशन वाला जो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। और एग्जाम का अगर हम बात करें तो इसका देखिए एग्जाम जो है आपका थोड़ा सा जो है लेट होने वाला है, क्योंकि अभी जो फॉर्म भरा है 20-23 का, तो उसका पार्ट टू का एग्जाम होगा, ठीक है। पार्ट टू का एग्जाम होगा किसका, तो 20-23 का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद ही हम लोगों का जो एग्जाम होगा सेशन 21-24 पार्ट टू का, ठीक है। और रिजल्ट के बारे में हम सारा कुछ आपको बता ही दिए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि जितना भी मैंने आपको जानकारी बताया हूँ उतना आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कुछ कमेंट रह जाता है, यानी कि क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट में जरूर डालिएगा, उसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम फिर से मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। और हाँ, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप ये भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।